आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में मालपुआ, जो कि बहुत कॉमन डिश है, सभी स्टाइल में बनती है। आई थिंक आप सबके घर में भी बनती होगी, लेकिन एक्चुअल में ये डिश आई है ओडिशा से। ओडिशा में इसको ट्रेडिशनली कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है और पारंपरिक तरीके से इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मालपुआ कभी सूजी से भी बना देते हैं लोग, मैदे से भी बना देते हैं, आटे से भी, कभी शक्कर, कभी गुड़, इस टाइप से बना देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये कैसे बनता है और इसको बनाना कैसे है, ये हम आपको बताएंगे। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर भी करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चले चलते हैं किचन में और देखते हैं मालपुआ बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। अब आ गए हम किचन की तरफ, तो हमें क्या क्या लगेगा हम देखते हैं। मैं एक बनाना ली हूँ, पका हुआ बनाना है, जिसको मैं छोटे छोटे हिस्से में काट ली हूँ। बनाना जो है लगता ही है मालपुआ में, चाहे आप कम डालें या ज़्यादा डालें। और मैं ली हूँ ये चावल का आटा। ट्रेडिशनल तरीके से अगर बनाना है तो चावल का आटा लगता है, आप भले ही बाइंडिंग में कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन चावल का आटा ही लेना है। और दूध लगेगा उतना ही फ्लेवर के लिए, इस तरीके से। और ये है मैदा, मैदा जो है एक कप से कम है, आप इसके जगह आटा भी ले सकते हैं, लेकिन चावल का आटा के साथ ही लेना है। अब ये नारियल है, इसको मैं बारीक घिस ली थी। और उसके अलावा है 100 ग्राम से कम गुड़ है, गुड़ के ही मालपुए बनते हैं। और ये जो है सौंफ और 4-5 छोटी इलायची, मेरे पास पाउडर नहीं थी तो मैंने इलायची ली हूँ, अब मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। इतनी सारी चीज़ें लगेंगी। तो अब मैं बनाना को मैश करूँगी, तो मैं फॉक की हेल्प से इसे इस तरह से प्रेस करूँगी, या फिर आप कटोरी या छोटा सा गिलास भी ले सकते हैं, उससे अच्छे से ये मैश हो जाता है। कभी भी मालपुआ में कुछ भी ऐसा मोटा चीज़ नहीं डालेंगे, हमेशा चीज़ों को मैश करके डालेंगे, चाहे ड्राई फ्रूट हो या बनाना हो। तो ये मेरा बनाना का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं गुड़ की चाशनी बनाऊँगी और इलायची का पाउडर तैयार कर लूँगी। तो एक छोटा सा बर्तन ली हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ, करीबन आधा कटोरी जैसा, और उसमें जो हमारा गुड़ है वो हम डाल लेंगे। गुड़ को मेल्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुड़ में काफ़ी सारे जो हैं वेस्टेज रहते हैं, जो मेल्ट करने से नीचे बैठ जाते हैं, तो उसे हमको मिक्सचर बनाने में आसानी होती है। और वो कचरा, वो फिर अगर हम मालपुआ बनाएंगे और वो ऐसे ही हम क्रश करके डाल देंगे तो फिर वो फिर मुँह पर आएंगे, इसलिए हमको मेल्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए देखिए, मैंने ये इसको 5 मिनट में इसको चला ली हूँ। अब मैं स्पून से इसको अच्छे से हिला लूँगी। अब मेरा मिक्सचर जो है गुड़ का करीबन तैयार हो चुका है, तो मैं गैस बंद करके इसे साइड में कर लूँगी और थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। अब मिक्सचर की तरफ आते हैं, जो बनाना का मिक्सचर है उसमें मैं डाल दी हूँ मिल्क, और बाकी चीज़ें भी हम डालते जाएंगे। और ये चावल का आटा है, ये चावल का आटा मार्केट में भी आराम से मिल जाता है, ये मेरे घर में ही था। तो हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे और बाकी चीज़ों को भी मिक्स करते जाएंगे। तो मैदा भी मैं डाल दी हूँ, अब इस तरह से मिक्स करते, पहले ही सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से, या जो केक फेंटने वाला स्पून रहता है उससे भी कर सकते हैं आप। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और जो गुड़ की चाशनी है वो भी इसमें डालते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे और मिक्स करेंगे, फिर थोड़ी सी ठीक ठीक लगेगी तो फिर आप फिर से डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और इसको जितना फेटा जाए ये उतनी ही अच्छी होती है। अब मैंने सौंफ भी डाल दी हूँ और ये घिसा हुआ नारियल, ये भी डालूँगी। नारियल, सौंफ, केले, गुड़ का जो फ्लेवर आता है, अभी इलायची भी डाल दी हूँ, सबका फ्लेवर जो आएगा मालपुआ में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप घर में बनाकर इसे देखेंगे कि ट्रेडिशनल तरीके से मालपुए कैसे बनते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अब ये देखिए, इस तरह से ये मैंने और जो चाशनी थी वो भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। ये देखिए, मेरी जो मिक्सचर है ये थोड़ी सी थिक है, ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना मालपुआ नहीं बनेगा। अब इसे करीबन 15 मिनट ढक के रख देंगे, अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं रखना है क्योंकि केले के मालपुए हैं तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, गुनगुना पानी, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटा लग रहा था 15-20 मिनट के बाद इसको, मैं जब मैंने देखा था तो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही पानी डाल के मैंने इसे
नॉर्मल कर लिया था, क्योंकि सब आटा हमारा फूल के सेट हो गया था। ये देखिए अभी बिल्कुल रेडी है, तो मैं ऑयल चढ़ा दी हूँ। अब देखिए ये जो चम्मच है गड्ढे वाला चम्मच, इससे हम एक चम्मच भर के सारे मालपुए बनाएंगे, ताकि सब एक ही शेप के बने और उतने ही साइज के बने। तो ये देखिए मैंने गरम कर लिया था अच्छे से ऑयल, और जब डालने के वक्त मैं इसमें सिम करी थी, उसके बाद भले ही आप मीडियम कर सकते हैं लेकिन डाल। अब देखिए मेरा मालपुआ ऊपर आ गया है फूल कर, और मैं इसे निकालूंगी पलट के। कितना अच्छा ये ब्राउनिश सेक के आया है। अब बाकी के मालपुए में इसी तरह सेंटर में डालते जाऊंगी, सिम में करूंगी। डालने के वक्त आपको सिम में करना है और इस तरह से मालपुआ को चलाना है। और ये कुछ कभी पूरी तरह से फूलते हैं, कभी कुछ आधे फूलते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। बाकी ये टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाकी के मालपुए भी हम इस तरह से पलट पलट कर मीडियम फ्लेम में करके पलट पलट करके तैयार कर लेंगे, ताकि मालपुआ जो अंदर तक अच्छे से सीख जाए। ये देखिए मैंने सारे मालपुए तैयार कर लिए और ये कितने अच्छे बने। अब कच्चे नारियल से मैं इसे गार्निश कर दूँगी। तो देखा आपने ट्रेडिशनल तरीके से मालपुए बनाना घर की चीज़ों से कितना आसान है। और गुड़ के मालपुए बनाने का ये फ़ायदा है कि आप उसे शुगर के जो पेशेंट है वो भी गुड़ के मालपुए आराम से खा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।